इस मुद्दे पे वोट पड़ेगा चाचा किस मुद्दे पर वोट। हम, हाँ, हाँ, घर घर मोदी। मोदी। मोदी अच्छा। आ? 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 हर हर मोड़ी। मोड़ी जी भी तो बोले थे कि बताइए राम मंदिर बनाना ये कांग्रेस वाला कि मेरा ही दिन था ठीक है आप ही था लेकिन आप कहा जिस टाइम में जज फैसला सुनाने के लिए कहता था तो सीधे मनमोहन कहते थे कि ना फैसला ना सुनाइए खून के धारा चलेगा और यह नरेंद्र नर मोदी बोलें कि आप फैसला सुनाइए खून का एक बूंद कतार चलेगा तो हम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे एक बूंद भी खून कहाँ खून के कतार अपन उम्र में बेनिफिट मिला है मोदी जी से हाँ, हाँ। उज्ज्वला योजना है पीएम किसान है समान निधि योजना उसके बाद शौचालय योजना है ये सब चीज़ मिला है हमको मोदी जी ठीक है मोदी जी से खुश हाँ खुश हैं हम सब बढ़िया सब 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 कमल छाप काम किया है अच्छा किसान पीएम पी योजना दिया उज्जवल योजना वो दिया मुफ्त में पाँच किलो राशन वो दे रहा है देखिए देखिए पाकिस्तान से बिना के अभिनंदन को वापस ले आया मनमोहन के टाइम में आज तक के मूड़ी भी नहीं लौट के आया और फिर जानता है वो सब दबावट करता था वोट दबाव भी पड़ता है आपको है ना, कोरोना काल में इतना जो वैक्सीन फ्री में दिया और कांग्रेस के राज में तो कुछ कही नहीं किसान को आज तक को कौन देखा था मनमोहन इतना दिन चला वैक्षिन, कोई वैक्षिन लगा है नहीं कांग्रेस के ना वैक्सीन कोरोना वाला कोरोना वाला कांग्रेस के राज में

जो सेम्बुल मिला है यहाँ से लालटेन छाप से आपका अभय कुशवाहा को और एक साथ आपको बीजेपी से मिला है आपको सुशील कुमार सिंह तो तीन बार से यहाँ पे सांसद है इस बार का है जो वोट किधर पड़ेगा किस मुद्दे पे वोट करेगा तो आइए लोगों से जानते हैं क्या नाम है चाचा मोतीदास क्या लगता है इस बार कुछ भगवान का इस बार भगवान है जी अच्छा हाँ किनको वोट पड़ेगा इस बार किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा महंगाई बेरोजगारी की, की देखिए हम बुला जाते हैं हम बताइएगा जिससे कहीं हम देते हैं भाई गलती बात न बोलेंगे बुढ़ा रे वो ललटेन के पड़ेगा कि कमल के पड़ेगा सकते हमारा गाँव ज्यादा ललटेने के तो घर न अकबरपुर जादव जी है ना वह कमी अच्छा जी ना हम तो रविदास जी जो एगो शब देता हजू हम देते है भाई कमजोर बरा कहे वो सब दवा रविदास जी का वोट पड़ता है आपका बीएसपी के पूरे भारत में हाँ। लेकिन बिहार में आरजेडी को लेकर के वोट कीजिएगा आरजेडी को लल्टेन तो एक, को एक, एक बात मैं बताया कि जो अच्छा लालटेन हां जाऊं चीज केगा अभी हम तो परमईसी नहीं जा रहे भाई साहब और फिर जानता है था। था। वो सब दबावट करता है तो वोट वो खनिए के दे देते हैं कितने दे दो को दबाव भी पड़ता है आपको ना दबाव आप ना पड़ रहा है जब करेगा तो बरियारी करता है <laughs> बरियारी करता तब दे देते हैं कि भाई जेकरा मैंने जेकरा दे दो कौन हमारा गलती की बात है <laughs> साप साप आवा ना, आवा ना, आवा ना आप सब बोली किधर पड़ेगा आपका सब जैसे ने, ने, ना, ना, आपका मन किधर है किस चीज पे तो ना कहते हैं चलिए ठीक है आपका चाचा क्या ना, नाम है मेरा ना, नाम मृगेंदर सिंह किधर पड़ेगा इस बार इस बार बीजेपी के पड़ेगा कमल छाप को क्यों कमल छाप कमल छाप काम किया है अच्छा किसान पीएम योजना वो दिया उज्वल योजना वो दिया मुफ्त में पाँच किलो राशन वो दे रहा है देखिए कि देखिए पाकिस्तान से बिना शत के अभिनंदन को वापस ले आया मनमोहन के टाइम में आज तक के मूड़ी भी नहीं लौट के आया कोरोना काल में इतना जो वैक्सीन फ्री में दिया और कांग्रेस के राज में तो कुछ कहीं नहीं किसान को आज तक को कौन देखा था मनमोहन इतना दिन चला एकदम एकदम लगा है नहीं लगा के का वो तो वाला, वाला कांग्रेस के ना राजू वैक्सीन कोरोना वाला कोरोना वाला कांग्रेस के राज्य में अथी हुआ कोरोना थोड़ी कांग्रेस के था तब तो बीजेपी नरेंद्र मोदी का दिन है कि आज इतना हुआ तो तो आपके क्षेत्र में आपके सुशील कुमार ऐसी काम किए हैं काम किए हैं जनता के बीच में आते हैं आई पाँच साल कुछ वहा विधायक रहा हम लोग का लेकिन आज तक के उसको पता भी नहीं है कि कल्याणपुर मेरा क्षेत्र पता था पाँच साल विधायक रहा है लेकिन आज तक की गली से गुजरा लेकिन कभी ब्रेक भी नहीं गाड़ी के किया तो बोलते हैं मोदी जी के राज में बेरोजगारी चरम सीमा पे है महंगाई है हर चीज चरम सीमा पे है लोग विपक्ष वाले तो सवाल उठा, तो उठा, उठा रहे हैं विपक्ष कुछ भी बोले विपक्ष के कहाँ दिखाई दे रहा है विपक्ष के दिखाई दे रहा है बॉन्ड पे घोटाला हुआ छः हजार करोड़ का फिर बीप कंपनी अढ़ाई सौ करोड़ का घोटाला की बीजेपी हमारा कमा की घोटाला जब किए तो बीजेपी के कह रहा है कि ईडी जांच करवा रहा है केजरीवाल के तहत लालू यादव के लालू यादव कहे नहीं कि बीजेपी पर अथी करवा रहे हैं वो भी जांच करवाएं उनको सी बी आई जांच ही रहा है तो कह, कहाँ कहाँ पर पकड़ा है आज तक एक भी बीजेपी के विधायक चाहे सांसद नहीं पकड़ा है घोटाला में लेकिन कहाँ पकड़ा है कहाँ पर डाटा पता है एकदम डाटा पता है नारायण राणे हाँ सिबू फिर आपका बी हेमंत विश्व शर्मा इसमें क्या है फिर उसके बाद अजीत पवार इसमें क्या है पूरा जम के घोटाला किया ये लोग देश के अंदर में पहले ये लोग कांग्रेस में था अब है जो बीजेपी में चला गया सब धुला के रेडी हो रहे ये लोग नहीं, लो। नहीं जो डाटा नहीं पता है तो पता है के बारे में पता अच्छा इलेक्ट्रल बॉन्ड पे घोटाला हुआ है कि नहीं छह हजार करोड़ का नरेंद्र मोदी जो ए, एक बीफ कंपनी उससे अढ़ाई सौ करोड़ लिए हैं ठीक है और इलेक्ट्रल बॉन्ड पे चंदा लिए हैं छे हजार करोड़ का ये सब अफवाह है आप अफवाह बोल रहे हैं हाँ। कोर्ट में वो, वो डाटा दिया गया डाटा के के दिया डाटा दिया, दिया। कहाँ? क्या डाटा आज तक अरे तो, तो आएगा दिया। गुण दिया। गुण दिया। आएगा तो आएगा तो उसका पता चलेगा आएगा सच आएगा तो सामने सच आएगा सच्चाई सब सामने आ गई हां तो कहां गया हथकड़ी कहां लगा आप किनको हथकड़ी कहाँ लगा हर मोदी हर हर मोदी हर हर मोदी अच्छा आगे बढ़िए बीजेपी के राम मंदिर बनाना ये कहता है कांग्रेस वाला कि मेरा ही दिन था तो ठीक है आप ही का दिन था लेकिन आप कहाँ कहें जिस टाइम में जज फैसला सुनाने के लिए कहता था तो सीधे मनमोहन कहते थे कि ना फैसला ना सुनाए खून के धारा चलेगा और यह नरेंद्र नर मोदी बोले कि आप फैसला सुनाइए खून का एक बुन कतार चलेगा तो हम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे एक बुन भी खून कहाँ खून के कतार चला मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा मंदिर का मंदिर के नाम तीन सौ सत्तर एक मुद्दा है जितना भी है ऐसे आज अयोध्या मंदिर जो, जो कि आज बीस में विखात हो गया तीन सौ सत्तर के हटाया तीन तलाक के हटाया सत्तर हट गया कश्मीर से हाँ। जमीन लिए वहाँ पे हम हाँ ना लिए तो, तो हुआ आओ सब है ना हिंदू लोग तो है ना है ये कोई जरूरी है आज हम भी जाके ले सकते हैं की न पैसा रहेगा तब पैसा नहीं है न ले है तो मोदी तो फिर से हाँ फिर से मोदी चलिए चाचा बोल रहे हैं, मोदी फिर साहब का मोदी मोदी का कुछ मुद्दा बताइए मोदी जी का मोदी जी के मुद्दा में हमको बेनिफिट हम अपन उम्र में बेनिफिट मिला है मोदी जी से हाँ, हाँ उज्ज्वला योजना है पीएम किसान है सामान्य निधि योजना उसके बाद शौचालय योजना है ये सब चीज़ मिला है हमको मोदी जी ठीक है मोदी जी से खुश हाँ खुश है हैं हम सब बढ़िया सब 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 फर्स्ट क्लास चलिए भैया भी बोल रहे हैं मोदी जी ही आपका हम, बोल, हम बोलते हैं आपको नहीं बोलना है एक तरफ का आपका, आपका लालटेन है ठीक है और एक तरफ आपका है क्या बोलते हैं बीजेपी से सुशील कुमार सिंह कमल छाप से आ, इस मुद्दे कम, पर कम, कमल छाप जीतेगा जी बात जी, नहीं है कमल छाप मोदी हर हर मोदी घर में क्या नाम है कन्हैया प्रसाद अच्छा हाँ मोदी है क्या किए मोदी जी बहुत काम नसा? के राज में बोल रहा है अरे महंगाई तो महंगाई का महंगाई पे कम न था कांग्रेस के राज में भी महंगाई था, था।, था कोई जरूरी है की मोदी के राज में हुआ है महंगाई 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 है कहाँ महंगाई कुछ नहीं महंगाई कुछ नहीं है मोदी जी भी तो बोले थे कि जो हवाई चप्पल में रहेगा उसको प्लेन से घुमाएंगे तो घुमा तो तो करेंगे का रहे? किसी इतना जल्दी कहाँ से घुमाएंगे भैया भैया बताइए वाला घूम रहा है ऐसा थोड़े हम भी देंगे लोग रुपया आएगा रुपया से ना घूमेगा बोले थे जो चप्पल में उसको हवाई जहाज पे बोले दो करोड़ लोग को रोजगार देंगे काला धन आएगा विदेश से सब नहीं आएगा खाली जूते पहन के जाएगा चप्पल नहीं पहनेगा कोई रोक है कोई रोक नहीं है कोई रोक नहीं चप्पल पहन के चढ़ सकता है कहा है आपने चढ़ रहे गरीब बोला नहीं चाह अरे तो पैसा कमाएगा तब ना जाएगा तो, तो मोदी है को ही ठीक है एकदम मोदी एकदम मोदी किस एक मुद्दे पे वोट पड़ेगा चाचा किस मुद्दे पर बहुत कैकरा दे वोट के हाँ हम घर घर मोदी अच्छा है हर हर मोदी हाँ हम मोदी के वोट देंगे साफ साफ मोदी जी कह रहे बोल रहे थे लोग करप्शन है क्राइम हो रहा है क्राइम कौची हो रहा है चीन, चीन जेकरा से चीन के क्रिया 370 हटाया कश्मीर में अच्छा हां 370 हटा दे उस पे हां आओ हम हाँ। आज से नहीं अच्छा ये सुशील सिंह के नहीं धनबाद में हम 41 साल पाँच महीना सेवा करके आए हैं समझे और हम वहाँ भी चार गाड़ी हम देते थे और चार गाड़ी पशुपति नाथ सिंह देते थे और प, हम हम और पशुपति नाथ सिंह बीजेपी के विधायक दो बार रहे और सांसद आज पांच बार बार से हैं सुशील कुमार सिंह काम किए थे चाचा हाँ है? हाँ तीन बार से सांसद वो वो अभी से मिला वो भाई कुछ उनको नहीं दीजिएगा नहीं बोले लग बड़ी बढ़िया प्रत्याशी है वो कभी नहीं आया है, है? पांच साल विधायक रहा कल्याणपुर में कभी आया और भूमिहार के बस्ती में इस बार बीजेपी को फिर से लाना है हाँ हाँ नहीं क्या नाम है आपका रामाधार सिंह चलिए रामाधार हाँ, सिंह जो बोल रहे हैं हाँ, कि फिर से है जो वो हाँ, मोदी को ही बोल तो बोली दिए ना बोली दिए चलिए तो आप देखिए नरेंद्र मोदी के दिन से 6000 हजार दे रहा है पाँच किलो राशन एक व्यक्ति पर दे रहा है उज्ज्वल योजना गैस दिया आज तक गैस पर तो सबका मतलब कि महंगाई बोले कि बारह सौ में गैस सिलेंडर मिल रहा है ये का कांग्रेस हाँ के राज में चार सौ में मिलता था अब सीधे हो गया दस साल में डबल कर कर दी दी गुना सब जो घोटाला होता था से तो मोदी घोटाला हुआ है का, ना है, सब कांग्रेस वक्त घोटाला हुआ है इधर में कोई घोटाला नहीं हुआ है नहीं बॉन्ड बीफ कंपनी का नाम सब खाली अफवाह है अफवाह है हाँ जो नरेंद्र मोदी अभी कर दिया है वो अभी करने में बहुत सोचने पड़ेगा बाकी को बाकी को सोचने पड़ेगा हाँ ये पाँच साल पंद्रह साल लालू के राज आज तक के बेड डूबते और मुड़ी काटता था अच्छा। आज वही देखिए कि बारह बजे रात भे, भे, हो चाहे जय हो जखनी पा रहे हैं जखनी चल दे रहे हैं कहीं डर भय नहीं है गुंडागर्दी अच्छा जेठ वैशाख में दोपहर में चलने में सोचने पता था ये रोड जो की टिकारी जाने में हम लोग को एक घंटा लगता था आवाज के दिन है कि जखनी पा रहे हैं जखनी चल दे रहे हैं ठीक है आप लोग क्या बोलना चाहेंगे ठीक है फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिएगा यूट्यूब पर देखे को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद जय हिंद जय बिहार